हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रामनगर दीपिका फैमिली में। मैंने अपने लिए कुछ टॉप मंगाई थी। पहले मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगाई थी और एक दो टॉप मैंने अमेजोन के थ्रू भी मंगाई है, जिसका रिव्यू मैं अब आपके सामने करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अमेजोन के थ्रू मैंने अपने लिए टॉप मंगाई है। ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर दिया और हिमाद्री खोलने के लिए तैयार है। तो व्हाइट कलर की नेट की टॉप है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और बहुत महंगी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मंगा ली जाए। ये देखिए, हिमाद्री अब इसे ओपन करेगी। और एक कुर्ती भी मंगाई थी मैंने अमेजोन के थ्रू, जो मैं अभी आपके सामने कटिंग करने वाली हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह का लुक है, नेट में है टॉप एकदम। जो इसकी एमआरपी है वो है 1569। खैर इतनी महंगी तो नहीं है ये, लेकिन कुछ ज्यादा ही एक्सेस लिख देते हैं। यह है कहते हैं श्रील वुमेन्स नेट रेगुलर फिट टॉप। मैंने एक्सेल साइज मंगाया है, वाइट थोड़ा मैं, जैसे मेरा एल साइज हो गया, लेकिन मैं हमेशा एक नंबर ज्यादा ही टॉप मंगाती हूँ। मुझे थोड़ी लूज टॉप अच्छी लगती है, बिल्कुल फिटेड टॉप मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी मुझे अवेलेबल हुई है। जैसे मैंने इसके रिव्यू देखे थे, उसमें काफी तारीफ इसकी लिखी थी, और जैसा मैंने इसकी पिक देखी थी, वैसे ही मुझे मिली है या नहीं मिली है देखते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके का लुक है, वाइट नेट में है, और वाकई जैसी मुझे कहते पिक में ये दिखी थी, वैसे ही मुझे ये मिली है। ये है एक्सरसाइज अवाक कंपनी की, और ये देखिए पूरी नेट की है। नेट के इसके बाजू हैं, इसमें नीचे बेल स्लीव दे रखी है। मेरे ख्याल से फुल तो नहीं है ये, पौनी ही है। और जो नेक है, नेक पे देखिए, इस इतने पोर्शन में तो नीचे फैब्रिक लगा रखा है अंदर से, और अंदर से लगा हुआ है ये सैटिन टाइप का फैब्रिक, और ऊपर से पूरी नेट है। और चोली वाले पोर्शन क्या है, यहाँ पे इन्होंने फ्रिल टाइप की दे रखी है, थोड़ा फ्रिल लुक है, जैसे मतलब बाजू में इसमें इस तरीके से बेल स्लीव दे रखी है, उस तरीके से यहाँ पर भी चुन्नट वाली प्लेट्स वाली स्लीव दे रखी है। तो लगभग ये मतलब शॉर्ट टॉप है, ये बहुत लॉन्ग भी नहीं है, और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, मतलब अलग सा यूनिक सा लुक देता है। तो मैं इसको अब आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने टॉप पहन ली है, कैसा लुक दे रही है बताइएगा। मुझे तो बहुत सॉफ्ट नेट है इसकी, बहुत कंफर्टेबल लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है पहनने में, और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल आप इसे खरीद सकते हैं, और जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और किस प्राइस में ये मुझे मिली है वो भी मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी। मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, बहुत सॉफ्ट, बहुत नेट भी इतनी सॉफ्ट है ना, बहुत अच्छी लग रही है, और लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, और व्हाइट कलर तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं दूसरी कुर्ती की। वो तो मैंने टॉप मंगाई थी, और ये मैंने मंगा रखी है अमेजोन के थ्रू कुर्ती। तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं। हिमाली तो बेताब रहती है खोलने के लिए, मैं कट कर देती हूँ कहीं इसका हाथ ना कट जाए। उसके बाद हिमाद्री क्या करेगी, इसे ओपन करेगी, उसकी बेचैनी देखिए कि मम्मी काट रही है, कहीं ऐसा ना हो मम्मी पूरा अपने आप खोल दे। मेरी बेटी बिल्कुल जोरदार है। अरे देखिए, पीछे छुपा लिया कि कहीं मैं इसे छीन ना लूं। ओके ओके, हिमाद्री खोलेगी, मेरी जो रिव्यू हो उसकी तो अच्छे ढंग से उसे वार्ड लगानी है। ये देखिए, मुंह का प्रयोग हो रहा है पॉलिथीन काटने के लिए। ये है मेरी बेटी का जोरदार बिल्कुल यूनिक रिव्यू प्रेजेंटेशन का तरीका। ये देखिए, ये आ गई मेरी कुर्ती। ये सिंथेटिक है, मतलब थोड़ा गार्डन सिल्क टाइप का फैब्रिक है, और ये है ऑरेलिया ब्रांडेड। इसकी जो एमआरपी है 999 है। एक्चुअली ये मुझे कितने की मैं भूल गई हूँ, जो स्क्रीन शॉट है मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। और इसके साथ हमें मिला है ऑरेंज कलर का थ्रेड भी, और एक एक्स्ट्रा बटन भी। सिंथेटिक है, और जो इसमें ये बूटीज पड़ी हुई है, ये गोल्डन प्रिंट है, बहुत सॉफ्ट है, और वही पौनी आस्तीन है। मैंने एक्सरसाइज ही मंगाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक नंबर, सॉरी ये मैंने एल साइज मंगा रखा है, क्योंकि मुझे ये एल साइज ही लगा कि मेरे बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि कुर्ती स्टाइल है, और इसको मैं स्कर्ट के साथ भी पहन सकती हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा गुजराती लुक पसंद करती हूँ, या फिर मैं ऐसे जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ। तो मुझे इसके लिए चाहिए गोल्डन स्कर्ट, जो कि मेरे पास गोल्डन स्कर्ट है,
वो भी मेरी बीबा कलेक्शन है, बीबा के थ्रू मैंने मंगाई थी। तो मैंने सोचा गोल्डन के साथ भी ये चल जाएगी, इसके अलावा हम ऑरेंज के साथ भी पहनना चाहे पहन सकते हैं और जीन्स के साथ भी पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। लेकिन बस ये है कि ये कॉटन नहीं है, ये सिंथेटिक कपड़ा है लेकिन बहुत सॉफ्ट है। लेकिन जिन लोगों को सिंथेटिक से प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन जिनको जो एवरग्रीन होते हैं हर कपड़ा वो पहन सकते हैं, उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये तो सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया ब्रांड है, तो बहुत कंफर्टेबल, मेरे ख्याल से तो बहुत कंफर्टेबल लगेगी पहन के। और देखिए ये है इसकी लेंथ, लगभग मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मतलब लगभग यहाँ तक की इसकी लेंथ है। तो ये स्कर्ट एंड जीन्स दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगेगी। और नीचे देखिए जो पूरे में तो बूटी पड़ी हुई है और फ्रंट ओपन है, लगभग जो अंदर से इसमें हुक लगा रखे हैं इन्होंने, हुक लगा हुआ है, ऊपर से बटन है और यहाँ से थोड़ा सा स्टिच्ड है। और साइड कटिंग वाली है, साइड कट दे रखा है इसमें और बहुत बढ़िया है। नीचे बॉर्डर टाइप का दे रखा है, स्टिचिंग बहुत फाइन है, अच्छी स्टिचिंग है और बहुत फाइन ढंग से इसमें स्टिचिंग करी गई है। तो मैं अब आपको इस कुर्ती को भी पहन के दिखाती हूँ कि ये लुक वाइज पहन के मुझे कैसी लग रही है, इसकी फिटिंग कैसी है, ये सब आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने कुर्ती पहन ली है, बहुत कंफर्टेबल लग रही है, सिंथेटिक जरूर है लेकिन बहुत सॉफ्ट इसका फैब्रिक है और जो ये गोल्डन बूटिया बहुत अच्छी लग रही है। जीन्स के साथ काफी अच्छा लुक दे रही है, जैसे इसके साथ दे रही तो मेरे ख्याल से स्कर्ट के साथ भी ये बहुत अच्छा लुक देगी। और आप बिल्कुल इसे खरीद सकते हैं यू गो फॉर इट, क्योंकि बहुत कम्फर्टेबल है, एल साइज है और देखिए एल साइज भी लूज आ रहा है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत टाइट है। तो लुक वाइज मुझे बहुत पसंद है। मैंने अभी आपको अपनी टॉप और ये कुर्ती जो मैंने ऑरेलिया से मंगाई थी वो आपको पहन के दिखाई, तो आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा। मुझे तो खैर बहुत पसंद आई और व्हाइट वाली तो स्पेशली बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल अलग सा लुक है और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल है। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज बताइएगा। तो ऐसे ही मैं न्यू रिव्यू आपके सामने लाती रहूंगी, कुछ चीजें मैंने और मंगा रखी हैं उसका रिव्यू मैं आपके साथ करूंगी। तो नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।